अच्छे से देखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एक डिस्क है जिसकी रेडियस दी हुई है, ठीक है। इस डिस्क की रेडियस हम लोग को पहले से पता है 2 मीटर है और मास दिया हुआ 100 kg एंड हॉरिजेंटल प्लेन पे रोल कर रहा है। ध्यान देना, ये रोल कर रहा है। रोल मतलब होता है इसका सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है और ये ओमेगा से अपनी एक्सिस पर घूम भी रहा, ऐसे इस टाइप से रोल कर रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास स्टॉप, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो 20 cm/s है, 20 cm/s है। हाउ मच वर्क इज डन टू स्टॉप, अब इसको रोकना है यार, ये डिस्क जो है ऐसे रोल करके आगे जा रहा है, इसको मुझे रोकना है। तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा और फोर्स लगाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करना पड़ेगा। ऐसे तो रुकेगा नहीं भाई, कोई ना कोई तो रोकेगा ना, नहीं तो ये तो इनफाइनाइट टाइम तक चलता चला जाएगा। तो उसको रोकने के लिए मतलब एंगुलर वेलोसिटी जीरो करना है, फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें। तो इनिशियली ओमेगा कितना हो जाएगा बोलो, इनिशियली अगर ये रोल कर रहा है तो हमें वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो भी है वर्क डन वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। और फाइनली जो वर्क डन है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो हो गया, निगेटिव साइन इग्नोर कर दो, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वही इसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, साथ साथ ध्यान देना रोटेशन भी है ट्रांसलेशन भी है। तो रोलिंग बॉडी का सेंटर ऑफ मास हाफ एम बी स्क्वायर, ट्रांसलेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी और रोटेशन की वजह से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर है, ठीक है। तो ये हाफ मास एम वेलोसिटी बी स्क्वायर प्लस हाफ आई। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्जी क्या होता है यार, एम आर स्क्वायर बाई टू और ओमेगा भी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू होती है भी इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को खत्म कर दिया और ये आ जाएगा 4 और ये 2 से मल्टीप्लाई करें मतलब ये आ जाएगा 3 mv² / 4। इतनी जो है वर्क डन करना पड़ेगा या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा। अब इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो 3 m ये 20 है और रेडियस 2 है, मास 100 है, सबकी वैल्यू डाल दो, ठीक है। वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर है तो सबकी वैल्यू डाल दो, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा तो 3/4 और मास 100 और वेलोसिटी 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो 20 × 20 × 10^-2 और 10^-2 है ना, सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट कर लिए। तो ये 4 ने, ठीक है, ये 4 ने 4 को ख़त्म कर दिया और ये 2 0 ने 2 0 को और ये 2 0 ने 2 0 को, इसका मतलब ये हुआ 3 joule आपको वर्क डन करना पड़ेगा या 3 joule जो है वो पॉजिटिव वर्क डन है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 3 joule इज द वर्क डन या पॉजिटिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द 4th ऑप्शन इज द करेक्ट वन।